ये पत्तों की टूल प्लाजा है और इतनी बुरी ट्रैफिक मैंने जिंदगी में जो है ना वो मुल्तान रोड पे आज तक नहीं देखी। हर तरफ ट्रैफिक है, ये बाइक्स वाली जो लेन है। पौने एक मुल्तान से निकले थे 4 बजे तकरीबन, हम साहिवाल थे, साहिवाल से 4 बजे तकरीबन 4:30 लगा लो हम साहिवाल से निकले और अभी 9 बजे हम लाहौर में एंटर हो रहे हैं। आज ट्रैफिक का ये हाल था, इतनी बुरी ट्रैफिक थी, टोटल 3.5 घंटे लगते हैं। जवाद साहब लेटर चला दे। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। आपका भाई आ रहा जैसे एकदम शानदार जो जिंदाबाद ना बंद करी जा। अभी क्या टाइम हो गया जवाद? 9:52। इसने मुझे एकदम आवाज़ दी कि 9:52 हो गए हैं और 10:30 बजे कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। मैंने कहा भाई जल्दी उठो, और ये जो है ये कल मुझे कहता मैं पूरे 9:30 सबको उठा दूंगा। कितने बजे था? मैं 9 बजे रेडी वेडी हो लिए हैं हम लोग। रेडी क्यों होना, एक सिर्फ शर्ट ही पहननी होती है। जवाब साहब आप ज़्यादा रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आओ चलें। हम लोग बंटी को जो है वो इधर वॉशरूम के अंदर है, बंटी को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। आ जाइए फिर। ओए हैं, आ जाएगा? चाबी नहीं आई? आ गया बाहर। इनकेस आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि हम लोग इस टाइम हैं रमादा होटल मुल्तान में, मुल्तान में स्टे कर रहे हैं। और अभी नीचे नाश्ता वाश्ता करने के बाद आज का हमारा प्लान है कि इधर सीढ़ियों से चलता है। आज का हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से लाहौर जा रहे हैं जवाब साहब, मैं और जवाब जो है बाइक पर और पीछे पीछे बंटी अपनी गाड़ी लगा लेगा। पहले मैंने लिए थे सॉसेजेस वगैरह, वो खाने के बाद अभी मैं आज ज़्यादा खा नहीं रहा हूँ क्योंकि कल भी बहुत खाया है। अभी निहारी ली है, हलीम ली है, कीमा लिया, नान लिए, पराठा लिए। अभी मैं ज़्यादा खा नहीं रहा क्योंकि तेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तेरे पास टाइम नहीं है। पहले निहारियाँ नहीं हो रही हैं उड़ा के, और अब जो है वो नहीं खाई तुझे पता, यू नो सादा सी डाइट है मेरी, झूठे किसने खाई है, रिस्क सामने रख के छोड़ा। अभी ज़रा नाश्ता वाश्ता चल रहा है, वहाँ से हम डिज़र्ट वगैरह अपना उठा के यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि 10:35 है, 10:30 बजे क्लोज होने वाला है ये ब्रेकफास्ट जो है। इधर ये सारा फुल हुआ बता, ये सब खाली हो गया, उन्होंने वहाँ से सारा फूड उठा लिया, ये अब जो है यहाँ से उठ रहा है कि हाँ अब मैंने खा लिया। मेरा ख्याल है हम अब ज़्यादा लेट ना करें और अपना पैकिंग शैकिंग सामान उठा के और निकलने वाली करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। स्टे बहुत ज़बरदस्त रहा, और जहांगीर भाई को मेरा सलाम दीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हम अपना होटल चेकआउट करके निकल रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये हमारा इधर शिकरा खड़ा हुआ है, अभी शिकरे रेडी है, पेट्रोल डलवाना है। ये जाने के लिए हम लोग रेडी खड़े हुए हैं, और ये जवाद साहब जो है हेलमेट अपना घुमा के दिखाएं, ज़रा शक्ल घुमाएं उस तरफ, मुझे जवाद का हेलमेट बहुत पसंद आया। और एंड टाइम पे बंटी जो है वो वॉशरूम से अब निकल के आया, मेरा फोन अंदर आ गया था और की खत्म हो गई। क्या रह गया था अंदर? वॉशरूम में फोन और की, और की एक्सपायर हो गई। फिर उन्होंने जैकेट करके फिर बंदे को बुलाया, मुझे बैठने देना पहले। हाँ तो बैठो जवाद साहब। ओए होए, बंटी गाड़ी में जाएगा। हाँ भाई सेट है, सेट भाई। और हमने साइड पेनियर्स जो है बाइक के उतार के गाड़ी की डिग्गी में रख दिए क्योंकि इससे ज़्यादा इजी रहेगा, जब एक हमारे पास एक हल है तो फिर क्यों उसका करना। हाँ भाई चलो जी बिस्मिल्लाह। रमादा होटल में हमारा स्टे इंतहाई मज़ेदार रहा, ऐसा इंजॉय किया हमने, एक तो तीनों इकट्ठे हुए हुए थे। रमादा के एम्बियंस के अलावा मुझे उनका स्टाफ बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली उनका जो ब्रेकफास्ट है ना, आए हाय हाय, ऐसी ऐसी डिशेज़ होती हैं मज़ेदार किस्म की। खैर सही, हमें अन्नी पादो पोगलाम मज़ा आया यहाँ पर। इधर से हम अपनी रिफ्यूलिंग करवाएँगे और फिर हम इंशाल्लाह फुल कर दें। यार तू लोकेशन लगा, इस तरह नहीं कुछ भी पता लगेगा भाई, से कंफर्म करा दो, वापस जाना पड़ेगा चौक हमारे वाली साइड पर। अभी हम लोगों ने यहाँ से लोकेशन लगाई है साहिवाल की, ताकि हमें वो जीटी रोड ही शो करे, मोटरवे शो करेगा तो वो हमें मसला हो जाएगा निकलने में। ये क्या चीज़ है यार? ये मस्जिद लग रही है भाई।
कोई किला टाइप, कोई मस्जिद टाइप कुछ है? नहीं, काफी बड़ा है यार। जवाद साहब ने बीच में थोड़ी सी जलालत करवा दी थी, एक मोड़ गलत करवा दिया था, तो उसकी वजह से हमें काफी जो है वो आधा घंटा मुल्तान के अंदर ही फिरना पड़ा यूटर्न लेने के लिए। तो अभी हम लोग जो है वो मुल्तान रोड पे अल्लाह का शुक्र है आ चुके हैं, और यहाँ से जो लास्ट बोर्ड लाहौर का आया था वो था 345 किलोमीटर का, तो 345 किलोमीटर हैं। और टाइम क्या हो गया यार जवाब, टाइम क्या हुआ है? 8:48 क्या? 12:48 पौने 12, तो वो 11:48 हुए ना, 12 कैसे हुए? हाँ पौने 12, पौने 1 है ये, सॉरी। DHA मुल्तान इतना बाहर आके है, यहाँ से भी 6.9 किलोमीटर आके है। अच्छा भाई, हम लोगों ने पीछे रुक के बंटी के साथ अपने फ़ोन कनेक्ट कर लिए, तो अब मैं, जवाद और बंटी आपस में हेलमेट्स के अंदर से और वो गाड़ी के अंदर से कनेक्ट है, हम बातें करते जा रहे हैं। ओए अभी मीटर पे 881 किलोमीटर हो चुके हैं, और हमने सोचा है कि हम लोग पहला ब्रेक जो है वो 100 किलोमीटर बाद लेंगे। बंटी हमें कह रहा था कि मैं जो है ना वो मोटरवे से चला जाता हूँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, तुम लोग GT रोड से आ जाओ। मैं कि नहीं बेटा, तू हमारे साथ ही GT रोड से जाएगा। अभी अभी पीछे मोटरवे गुजरी है, तो वो कह रहा था ये देख लो मुझे जाने दो, मैं अकेला हूँ गाड़ी में। मैं कि नहीं कुछ नहीं होता। खैर अभी 907 किलोमीटर हो चुके हैं। हाँ हाँ बोल, अभी नहीं, तकरीबन 80 किलोमीटर बाद रुकेंगे, सही है? ओके अच्छा, इधर आपको GoPro का व्यू जो है वो एक्स्ट्रा वाइड आ रहा होगा, क्योंकि पहले मैं इसको सुपर व्यू पे नहीं रखा हुआ था। अब सुपर व्यू का मतलब है कि ये अपने एक्सट्रीम वाइड एंगल के ऊपर अपना व्यू दे रहा है। भाईजान रास्ता दे दो भाईजान, शुक्रिया भाईजान। कितनी खूबसूरत रोड है यार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने का। यार किसी का कमेंट आया था कि आपके पास जो है वो हैवी बाइक है, तो आप लास्ट वीडियो पे जब मैंने टूल प्लाजा पे पैसे नहीं दिए थे, तो मैं आज पता करूँगा इनसे कि क्या मुझे पे करना है। मुझे कोई भाई इसमें वो नहीं है पैसे बचा के, मुझे मैं उस तब बाइक वाली लेन से गुजर गया था, मैं इनसे अभी पूछता हूँ कि अगर मुझे पे करना है तो मैं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे पे करना पड़ेगा? नहीं, थैंक यू सो मच। लें भाई, ये मैंने सिर्फ कुछ दो चार कमेंट्स थे उनकी मैंने तसल्ली करवाई है कि मैं यहाँ से आया हूँ। वो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ओ तुम्हारे पास हैवी बाइक है, तुम्हें पे करना चाहिए, तुम 30 रुपये बचा के खुश हो रहे हो, ये ऐसी कोई बात नहीं होती यार, चल रहा करो और खुशी से चीज़ें देखा करो। पहले ही बहुत नेगेटिविटी है दुनिया के अंदर, पॉजिटिविटी फैलाया करो भाई। हम लोग इस टाइम मियाँ चन्नू क्रॉस कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी स्पीड जा रही है, और ये जवाद पीछे बैठा नाच रहा है, गाने चल रहे हैं, और गाने भी जवाद साहब ने फुल टाइम हेलमेट्स के अंदर जो है ना वो आवाज़ 3680 करके छोड़ी हुई है। यार ये इस तरफ काफ़ी देर से ये एक जंगल सा चल रहा है, ये पता नहीं कौन सी जगह है, कोई जंगल है या कोई ज़खीरा है, मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा ये मंज़र है। और थोड़ी सी नज़र अंदर तक जाती है, बस उसके बाद सारा जो है वो झाड़ियाँ हैं, और अंदर इसके कुछ नहीं आगे नज़र आ रहा, क्या चक्कर है पता नहीं। ये बहुत बड़ा ज़खीरा लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा, काफ़ी किलोमीटर से चलता आ रहा है चलता आ रहा है। किसी को पता है तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना कि ये क्या है। बाइक के मीटर पे इस टाइम है 999.9 किलोमीटर, और ये हमारा पहला 1000 किलोमीटर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये पहला 1000 किलोमीटर हमारे बाइक को हो गया, हैप्पी 1000 किलोमीटर शिकरे। 1000 के बाद रीडिंग जीरो से स्टार्ट हो गई है शिकरे, लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। चल भाई, हड़प्पा 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 गड़प्पा। साहिवाल 20 किलोमीटर बस फिट है, 20 किलोमीटर बाद ही ब्रेक लेंगे, अभी नो ब्रेक।
हाँ भाई। हाँ भाई तुम बताओ, मैं तो ठीक ही हूँ। हम बेहतरीन है। हम लोग पहुंच चुके हैं साईवाल, और साईवाल में बैठ के अभी अपना कुछ सैंडविच वैंडविच खाएंगे, कुछ पेट पूजा थोड़ी बहुत करेंगे। क्या भाई चल रहे हैं तेरे असरात, पहली दफा लॉन्ग राइड? यार एक ही मसला जो बता रही है तुझे, बाकी तो यार आप तो तंग बहुत ज्यादा करता है, पिट बार को मुंह पीछे कर। ओ यार ये इसने मेरे साथ पता क्या हरकत की पूरा रास्ता, बाइक एक तो बाइक जा रही है, ऊपर से पीछे इसने हेलमेट पहना हुआ है। अब इतनी स्पीड पे बाइक है तो पिलियन को जो है वो पीछे मेरे मुंह के पीछे इसका मुंह होना चाहिए, तो बाइक सही स्पीड में निकलता है। अब ये मुंह साइड पे ऐसे निकाल के बैठता है जिस तरह सुने के आगे आगे पशु कौन से तेरे ज्यादा। मैं ये मसला पेश हुआ, मैं इतनी देर चुप करके नहीं बैठ सकता। ये तो होगा। तो वो भाई इस तरह इतनी स्पीड के ऊपर मुंह मेरे कंधे के साइड से निकाल के बैठे, मैं मिनट बाद इसके मुंह पे चपेट मार के मुंह इसका अंदर करता था। फिर जाके ये तो यार इतना बड़ा, थोड़ी सी आंख साइड पे करके सामने का व्यू ले लेते हैं, पूरा हेलमेट नहीं मुंह उस साइड पे बड़ा हेलमेट तेरा और उसके पीछे मैं हेलमेट के नीचे फुटों का झुक गया। कहता है मैं क्या फील कर रहा है, कहता है बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ कभी हुआ करती थी। जब मैंने पहली लॉन्ग राइड किया लाहौर से भावलनगर की, तब मेरी भी ऐसी सुन हुई थी, टेंशन ना ले, उसके बाद दोबारा नहीं हुई। इधर देखिए जरा, पूरा मूंछों के साइड पे भी लगा हुआ है। जवाब साहब कह रहे हैं कि मैंने जो है वो राइड लेके देखनी है, ये अपनी तरफ से फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्या चक्कर ले लेना, ओवर सा हो जाना। ये बैठे हैं गाड़ी में, और इधर जो है वो शिकरा रेडी खड़ा हुआ है, और यहाँ से लाहौर है अब हमारा 163 किलोमीटर्स बाकी हैं। ये किसकी देसी मुर्गी रोड पे आई हुई है, कुकड़ी है साइड से चली जा। अच्छा जवाद बंटी के साथ कार में बैठ गया है, जवाद कह रहा था मैंने बैठना बाइक पे ही है, लेकिन बंटी कह रहा था कि मुझे कंपनी दे और आपका भाई सोलो। अच्छा मुझे कुछ कमेंट से आइडिया हुआ कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे एक मेन चैनल है और एक सेकंड चैनल है। तो भाई वो असल में होता है ऐसा है कि जब आप अगर कोई मेन चैनल की ऑडियंस है तो वो जब मेन चैनल पे मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं तो YouTube ऑटोमेटिकली आपकी रिकमेंडेशन में मेरा सेकंड चैनल की वीडियोस भी शो करना शुरू कर देता है। अगर आप मेरे सेकंड चैनल की ऑडियंस हो तो YouTube ऑटोमेटिकली आपकी रिकमेंडेशन में मेरा मेन चैनल भी दे देगा। तो मेक श्योर यार आपने मेरा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब किया हो अगर आप मेन चैनल की ऑडियंस हो, क्योंकि मुझे कमेंट से थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि मेन चैनल की मोस्टली जो ऑडियंस है वो वीडियो देखते हैं बट उनको लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मेक श्योर आप एक बार शपैक गैंग को भी चेक कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब पे टर्न करके जो है ना वो घंटी बजाने का मैं नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरफ मेरे साईवाल कोल पावर प्लांट चल रहा है, और ये इसका जो ऊपर धुआं इतना ज़्यादा जा रहा है यार, मुझे कोई कमेंट्स के अंदर बताया कि इसका इस धुएं का कोई नुकसान है या नहीं है, मतलब ये धुआं इतना ज़्यादा होता है कि वो होता भी बहुत डेंस स्मोक है ये। ये इस तरफ उकाड़ा कैंट है, और यकीन करो ये बहावल नगर से लाहौर का सफ़र ज़िंदगी में मैंने कोई 1000 दफ़ा किया होगा, लेकिन आज ये अभी मैं इस साइड पे देख रहा था और पीछे भी इस तरह के बहुत सीन आए हैं जिन पे देख के मुझे लग रहा है कि ये तो पहले कभी देखा ही नहीं यार, ये कितना खूबसूरत मंज़र है। अभी ये दूर दूर तक एक खूबसूरत ग्रीनरी चल रही है और दरमियान में सीधी रोड जा रही है, यही चीज़ है जो सिर्फ बाइक पे एक्सपीरियंस हो सकती है। कि आप गाड़ी पे जाओगे तो वो चीज़ें आप देख लो एक दफ़ा, उसी जगह से बाइक पे गुजरोगे आपको हर मोड़ पे लगेगा कि ये जगह तो मैंने पहले देखी ही नहीं हुई, ये कितनी खूबसूरत जगह है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं और शिकरा कराकरम हाईवे के ऊपर जा रहे होंगे और सामने पशु कौन मुझे नज़र आएंगी। यहाँ इतना ट्रैफिक जैम पता नहीं क्यों है, आगे क्या मसला हुआ है। ओए उसने देखो वैन कैसे उतारी हुई, कितनी ज़्यादा टेढ़ी हुई है, ओ तेरी खैर। ओए होए अब इस ट्रैफिक में मैं तो निकल रहा हूँ, लेकिन बंटी और जवाद ने जितना बुरा फंसना है ना, ये पम्प मुझे सबसे अच्छा ये लगता है इस पूरे रास्ते में, फुल करना है।
अच्छा, इतना साफ पेट्रोल पंप आपको पूरे मुल्तान रोड पे इसके अलावा नहीं मिलेगा। ये अगर आप इस रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है आपको आइडिया हो, अगर नहीं करते तो जब आप लाहौर जाते हुए उकाड़ा क्रॉस करेंगे और पत्तोकी के पास होंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे ये मिलेगा। असल में ये पंप मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है इसकी टक शॉप का, वो जो आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो जो रेस्ट एरियाज आते हैं ये उस स्टैंडर्ड का बना हुआ है। इसकी टक शॉप भी और इसके वॉशरूम, इतने साफ वॉशरूम आपको पूरी मुल्तान रोड पे किसी और पंप के नहीं मिलेंगे। पता नहीं भाई क्या मसला है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है पिछले पूरे एक घंटे से। इतना खूबसूरत सनसेट गुजरा है, मैंने सोचा था सनसेट के टाइम में ड्रोन उड़ाऊँगा, लेकिन तब से लेके अब तक जो है वो ट्रैफिक इस तरह चल रही है, कोई 20-25-30-40 इस तरह स्पीड चल रही है बस। तो उस चक्कर में सनसेट भी हो गया है तो हमारे ड्रोन शॉट भी मिस हो गए हैं। मेरा ख्याल है आज संडे है तो इसलिए सारे जो है ना वो अपने अपने वतनों से वापस लाहौर पहुंच रहे हैं अपने काम के सिलसिलों में। ये पत्तों की टूल प्लाज़ा है और इतनी बुरी ट्रैफिक मैंने ज़िंदगी में जो है ना वो मुल्तान रोड पे आज तक नहीं देखी। हर तरफ ट्रैफिक है। ये बाइक्स वाली जो लेन है लोगों ने खुद ही बनाई है, बस गाड़ियों की लाइन या फिर उन्होंने बनवाई है। मेरी अभी हल्की सी नज़र पड़ी है गोप्रो की स्क्रीन में और जितनी रोशनी ये दिखा रहा है, असल में यकीन करो इस टाइम मतलब बिल्कुल अंधेरे से पहले वाली जो हल्की सी रोशनी होती है ना ये वो है, लेकिन गोप्रो ऐसे चानन कराई खड़ा जिस तरह पता नहीं इधर कोई दिन चल रहा। अभी यहाँ पे ढाबे पे रुके हैं चाय वाय पीने के लिए। अभी यहाँ से कितना है? 40-42 किलोमीटर। ओए होए, तुम तो गाड़ी भी हो, मैं तो फिर किसी न किसी जगह से निकल गया। बाइक भी इतनी आसानी से निकल नहीं पा रहा था। निकल रही है आज, बाइक भी नहीं निकल। गाड़ी का क्या बना? बस बंपर टू बंपर रुकी हुई है मुल्तान रोड। तीसरी किस्त पूरी देख ली। तू गाड़ी तब से चलाई जा रही है, बैठा ये ड्रामे देख रहा था। कभी सो जाता है, कभी ऐसी फजूल में चंदे तेरे पे बुला पाली दबाओ कुछ सो चलो। 6:54 हो गए हैं, 1:15 से हम लोग सफर में। अब जाके मेरी जो गर्दन है ना वो बस जवाब देनी शुरू कर रही है हेलमेट के वजन की वजह से, और पिट्ठी मेरी इस टाइम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, सुन हो चुकी है। अभी कड़क 3 चाय मंगवाई है। क्या लगता है जी? प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ, मैंने कहा आपको बता दूं मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया हूं और वो जवाद जा रहा है बाइक पे। जवाद साहब कहते मैं चला लूंगा, मैंने दो दफा जवाद से पूछा, जवाद कहता हाँ मैं चला लूंगा, मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूं, मैं चला लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तू चला, ये जवाद जा रहा है बाइक और लेके से निकालता हुआ। बंटी कैसा लग रहा है बताई? नहीं वो पेड़ वाली बात, पेड़ ऐसे उसके ऊपर रखा कहता डिड देख यार, जिंदगी बाकी मजा है, जिंदगी अमर हो गई ब्रो। हेलमेट के पैसे पूरे हो गए। शुक्रिया। तू बड़ा प्यारा लग रहा था चलाता हुआ, ना कर कसम से। जवाद साहब तकरीबन कोई 35-40 किलोमीटर चला के आयो? ज्यादा इतना क्या है? चल भाई बंटी बैठ। बंटी की बारी है बुड्ढो की तरह। बंटी मेरे ख्याल राइडर सीट पे बैठा भी पहली दफा है। जाऊंगा इस पे सर्विस पे है, क्यों मेन पे क्यों नहीं? ये गया सर्विस लेन में था, आ इस तरफ से राय। हाँ भाई बेहतरीन। 8:40 हम बैरियर टाउन अभी एंटर हो रहे हैं। यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते हमें आधा घंटा और लगेगा। 1:15 मुल्तान से निकले थे, 4 बजे तकरीबन हम साहिवाल थे। साहिवाल से 4 बजे तकरीबन 4:30 लगा लो हम साहिवाल से निकले और अभी 9 बजे हम लाहौर में एंटर हो रहे हैं। आज ट्रैफिक का ये हाल था, इतनी बुरी ट्रैफिक थी। मोटरवे पे टोटल 3.25 घंटे लगते हैं यार। मोटरवे पे अगर बाइक अलाउ हो जाए ना तो इनकी भी ज़िंदगी आसान हो जानी थी, मेरी भी ज़िंदगी आसान हो जानी थी, लेकिन मोटरवे पे बाइक अलाउ है ही नहीं। तो आज हमें साहिवाल से यहाँ आने में इतने घंटे लगे हैं ट्रैफिक की वजह से। खैर अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआओं में याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।